Hi friends, welcome back to Everstudy Classes. I hope your preparation is on right track and you are studying perfectly according to your schedule. If yes, then no one stop you from getting JRF. तो चलिए इसी मोटिव के साथ आपकी प्रिपरेशन को और आगे लेके चलते हैं एक नए यूनिट के साथ जिसका नाम है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथडोलॉजी, अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोर ओवर इंटरेस्टिंग यूनिट। तो यहाँ आज इस लेक्चर के थ्रू हम इस पर्टिकुलर यूनिट का ओवरव्यू लेंगे, सेम वी हैव डन इन द बिजनेस इकोनॉमिक्स, एंड इस पर्टिकुलर यूनिट के सिलेबस को अच्छे से डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ सिलेबस में फर्दर जितने भी टॉपिक्स मेंशन्ड है उनका भी ओवरव्यू लेंगे सो दैट यू विल गेट राइट डायरेक्शन फॉर योर प्रिपरेशन। चलिए पहले तो ये देखते हैं कि क्यों एनटीए ने इस यूनिट को आपके सिलेबस में इंक्लूड किया है, क्या इंपॉर्टेंस है आपके लिए इस पर्टिकुलर यूनिट की। मैम हमने तो एग्जामिनेशन क्लियर करना है, जेआरएफ क्रैक करना है, इसलिए हमें इस पर्टिकुलर यूनिट को पढ़ना पड़ेगा, फिर चाहे हमें अच्छा लगता है फिर चाहे अच्छा नहीं लगता। चलिए मान ली मैंने आपकी बात कि आपको एग्जामिनेशन क्रैक करना है, पर कुछ तो सिग्निफिकेंस होगा ना, ऐसी थोड़ी एनटीए ने आपको ये पढ़ने के लिए बोल दिया। मैं आपको बताती हूँ कि क्या रेलेवेंस है स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथडोलॉजी का आपके लिए। देखिए स्टैट्स एक ऐसा डिसिप्लिन है, एक ऐसी ब्रांच है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में, हर डोमेन में इसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है, फिर वो चाहे बिजनेस मैनेजमेंट है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंसेस, मैथमेटिक्स, इन सभी डिसिप्लिन्स में स्टैटिस्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मैम कुछ इंस्टेंसेस शेयर करो हमारे साथ कि कैसे स्टैटिस्टिक्स इन डिसिप्लिन में काम आती है। ठीक है तो मैं आपके साथ फ्यू डिसिप्लिन्स डिस्कस करती हूँ। बिजनेस मैनेजमेंट की बात करते हैं। अब देखिए बिजनेस मैनेजमेंट में स्टैटिस्टिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है, आपको अच्छे से पता है कि आज के टाइम में बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए नेवर एंडिंग कॉम्प्लेक्सिटीज फेस करनी पड़ती हैं बिजनेसमैन को, और उन कॉम्प्लेक्सिटीज को ओवरकम करने के लिए इफेक्टिव डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो वो इफेक्टिव डिसीजंस आप स्टैटिस्टिकल मेथड्स, उनकी टेक्निक्स अप्लाई करके ले सकते हैं। जैसे आपके बिजनेस का मेन मोटिव है कि प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना है, उसके लिए आपको डेटा की जरूरत पड़ेगी, जैसे पिछले साल सेल्स कितनी हुई, कस्टमर्स का डेटा, स्टॉक का डेटा। तो यहां आपने क्या किया, डेटा को कलेक्ट किया। अब डेटा कलेक्ट करके काम थोड़ी खत्म हो गया, इसके बाद डेटा की प्रोसेसिंग करोगे, एनालिसिस करोगे, इंटरप्रिटेशन करोगे उसका, उसके बेसिस पे फर्दर आगे डिसीजंस लोगे। तो स्टैट्स क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव डिसीजंस लेने में बिजनेसमैन को हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, रिग्रेशन, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, सैम्पलिंग एंड एस्टिमेशन। तो ये कुछ मेथड्स हैं, ये कुछ टेक्निक्स हैं जो बिजनेसमैन बिजनेस में इंप्लॉय करते हैं डिसीजंस लेने के लिए। अब इन डिसीजंस में फर्दर डिफरेंट पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, वो भी स्टैटिस्टिक्स को यूज करते हैं। बिजनेसमैन को तो हमने समझ लिया, गवर्नमेंट की बात करते हैं। तो गवर्नमेंट इकोनॉमी के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग करती है, बजट प्रिपेयर करती है, तो उसके लिए भी स्टैट्स यूज करती है। इवन पॉलिटिकल पार्टीज जनरल पब्लिक को इम्प्रेस करती है स्टैट्स की हेल्प से, स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से वो प्रेजेंट करते हैं अपनी अकम्प्लिशमेंट्स को, अपनी अचीवमेंट्स को डेटा के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं कि हमने ये अचीव किया है इतने सालों में। अब आती है बारी रिसर्च स्कॉलर्स की। रिसर्च स्कॉलर्स के लिए स्टैटिस्टिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रामबान बोल सकते हो आप रिसर्च स्कॉलर्स के लिए स्टैटिस्टिक्स को, इवन आई एम अ रिसर्च स्कॉलर एंड आई मेक यू डैम श्योर कि एक इफेक्टिव रिसर्च कंडक्ट करने के लिए स्टैट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो आप भी समझ लीजिए, आप इस एग्जामिनेशन के लिए खूब मेहनत कर रहे हो, इस एग्जामिनेशन को क्रैक करके कल को आप डॉक्टरल डिग्री परस्यू करते हैं, तो वहां बच्चे आपको स्टैट्स की बहुत ही जरूरत पड़ने वाली है। रिसर्च के हर स्टेप पे आपको स्टैट्स की जरूरत पड़ेगी, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम से लेके रिपोर्ट राइटिंग तक स्टैटिस्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस यूनिट के थ्रू आप रिसर्च भी समझेंगे और स्टैटिस्टिक्स की एप्लीकेशन भी समझेंगे। इन क्रक्स अगर मैं बोलूं तो आप एक तीर से बहुत सारे निशाने लगा सकते हो। पहले तो पेपर टू के लिए आपका ये पर्टिकुलर यूनिट तैयार हो जाएगा अच्छे से। पेपर वन में भी तो आपके पास रिसर्च एप्टीट्यूड वाला यूनिट है, तो वहां भी आपकी हेल्प हो जाएगी। मोर ओवर फर्दर अच्छा रिसर्च पेपर, सिनॉप्सिस, थीसिस लिखने में भी आपको इस यूनिट की हेल्प होने वाली है। सो आपने देखा कि स्टैट्स की एंडलेस इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, सिलेबस को डिस्कस करते हैं,
देखो बच्चे, जब तक सिलेबस की क्लैरिटी नहीं होगी ना आपको, तब तक आपका एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना अधूरी सी बात है। तो इसलिए कोई भी यूनिट जब आप स्टार्ट करते हैं तो पहले थॉरली उसका सिलेबस देखें अच्छे से। यू शुड नो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर सिलेबस। तो यहां मैंने आपके सिलेबस के दो सेक्शंस बना दिए, दो सेक्शंस में डिवाइड कर दिया आपके सिलेबस को। फर्स्ट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और सेकेंड सेक्शन है रिसर्च मेथडोलॉजी। तो यहां पर जितने भी टॉपिक्स मेंशन है ये सब बिजनेस स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है। तो फर्स्ट है आपके पास मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में इंक्लूड होता है मीन, मीडियन एंड मोड। तो मीन, मीडियन, मोड के मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज, इनके मैरिट्स, डीमैरिट्स, इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इनकी नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपको। देन वी हैव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में इंक्लूड होता है रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। ब्रॉडली होता है हमारे पास एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो इनके कॉम्पिटेशनल टेक्निक्स क्या है इन मेजर्स की, उनकी नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैरिट्स, डीमैरिट्स इन मेजर्स की और कौन से सर्कमस्टांस में कौन सी मेजर एप्लीकेबल होती है, इन सब की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। देन वी हैव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस। मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस की बात हम करते हैं, देखिए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उस पर्टिकुलर केस में मीन, मीडियन, मोड इक्वल होते हैं। असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो स्क्यूनेस वाली सिचुएशन आ जाती है। देन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की कैसी शेप है, पॉजिटिवली स्क्यूड है, नेगेटिवली स्क्यूड है, इनकी नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन कोरिलेशन रिग्रेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन है टू वेरिएबल्स के लिए आपने पढ़ना है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन को, लेकिन फिर भी हम टाइप्स ऑफ कोरिलेशन में मल्टीपल कोरिलेशन, मल्टीपल रिग्रेशन इनको भी डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन की बात के बाद हमारे पास आता है मेजर्स ऑफ कोरिलेशन, स्केटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, कॉन्करेंट डेविएशन। तो इन सबकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इनके सूटेबिलिटी क्या, कौन क्या कहां पर एप्लीकेबल होता है, कौन से सिचुएशन में, इनकी नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर इसके बाद सेम रिग्रेशन एनालिसिस में एस्टिमेशन ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस, तो बहुत ही थॉरली हमने डिस्कस करना है इसको, कोरिलेशन रिग्रेशन के डिफरेंसेस बहुत अच्छे से कवर करने हैं। देन वी हैव प्रोबेबिलिटी, अप्रोचेस टू द प्रोबेबिलिटी अच्छे से डिस्कस करने हैं, बेस थ्योरम हमने पढ़नी है और थ्योरम्स, एडिटिव थ्योरम, मल्टीप्लीकेटिव थ्योरम, इनको भी बहुत अच्छे से कवर करना है एग्जामिनेशन के लिए। देन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बायनोमियल, पॉइजन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इन सबकी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज, इनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए इनके अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि एग्जामिनेशन में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। देन वी हैव कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। ठीक है, अब कलेक्शन में डिफरेंट सोर्सेज होते हैं डेटा को कलेक्ट करने के, प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज, इनकी नॉलेज होना जरूरी है आपको। देन डेटा कलेक्ट करने के बाद उसे क्लासिफाई करना है, टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करना है, ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंट करना है। टेबुलर फॉर्म में आपके पास टेक्निक्स आती हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे कैसे वर्किंग होती है, ग्राफिकली में हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, पाई चार्ट, इन सब की नॉलेज होना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है एग्जामिनेशन के लिए। देन वी हैव सैम्पलिंग एंड एस्टिमेशन। तो सैम्पलिंग एंड एस्टिमेशन में सैम्पलिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, उनके मेथड्स, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड्स हैं सैम्पलिंग के, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ थ्योरम्स आती हैं जैसे सेंट्रल लिमिट थ्योरम, फिर कुछ एरर्स भी आते हैं सैम्पलिंग के टाइम पे हमारे सामने, स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन। तो ये सभी टॉपिक्स, सब टॉपिक्स जो हैं बहुत ब्रॉडली हमने कवर करने हैं अपने कोर्स में। देन वी हैव हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में फर्दर पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, पैरामेट्रिक टेस्ट में कौन से टेस्ट इंक्लूड होते हैं, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में कौन से टेस्ट इंक्लूड होते हैं, ठीक है, और सभी टेस्ट की एप्लीकेबिलिटी कहां पर होती है, कौन से सिचुएशन में कौन सा टेस्ट एप्लीकेबल होता है, इन सबकी नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो हमने ये सभी टॉपिक्स बहुत ब्रॉडली, बहुत अच्छे से, थॉरली 100% कवरेज इनको देके चलना है। नाउ मूविंग टू द रिसर्च मेथडोलॉजी सेक्शन। तो यहां पर आपके पास तीन टॉपिक्स मेंशन है, कंसेप्ट्स इन टाइप्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च डिजाइन, रिपोर्ट राइटिंग। कहने को तो तीन टॉपिक्स हैं लेकिन पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, और पढ़ने के बाद इसमें जो काम आने वाली चीजें हैं वो बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए कंसेप्ट्स इन टाइप्स ऑफ रिसर्च में मीनिंग ऑफ रिसर्च, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च, क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं रिसर्च की, एक रिसर्चर की रिसर्च कंडक्ट करने के लिए, टाइप्स ऑफ रिसर्च में बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च,
क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, डिस्क्रिप्टिव, लॉन्गिट्यूडनल, ये सभी रिसर्च की टाइप्स बहुत अच्छे से आपने अपने सिलेबस में कवर करनी है। रिसर्च डिजाइन कंसेप्चुअल ब्लूप्रिंट होता है विद इन विच रिसर्च कंडक्ट करते हैं। तो रिसर्च डिजाइन का मीनिंग, उसके डिफरेंट टाइप्स, उसके एलिमेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सी सिचुएशन में कैसा रिसर्च डिजाइन प्रिपेयर करना है, क्या प्रोसीजर फॉलो करना है रिसर्च डिजाइन करते टाइम, इसकी नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन वी हैव रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में भी रिपोर्ट राइटिंग का मीनिंग, उसकी टाइप्स, उसकी प्रोसीजर, कल को आप अपने सिनॉप्सिस या अपनी थीसिस प्रेजेंट करते हैं तो आपको एक रिपोर्ट राइटअप लिखना पड़ता है, तो उस रिपोर्ट में क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, तो आप यहाँ पे इस यूनिट के थ्रू सब कुछ सीख लेंगे। नाउ आई होप कि आपने मेरे साथ सिलेबस को अच्छे से समझा, एक ब्रॉड ओवरव्यू ले लिया है। चलिए अब एक एक करके हर टॉपिक को ब्रीफली डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक है हमारे सामने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखिए, सेंट्रल टेंडेंसी हमें एक सिंगल वैल्यू प्रोवाइड करता है और वो सिंगल वैल्यू हमारे पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करता है, सारी ऑब्जर्वेशंस को रिप्रेजेंट करता है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर्स ऑफ सेंट्रल लोकेशन भी बोला जाता है। और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमारे पास फर्दर मीन, मीडियन एंड मोड आते हैं, और मीन, मीडियन, मोड को समरी स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है। देखिए, मीन, मीडियन, मोड को समझने से पहले आप देखिए कि हमारे पास मेजरमेंट होते हैं, थ्री ऑर्डर्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एवरेजेस होते हैं। मेजरमेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में हमारे पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आता है। मेजरमेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर में मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन इंक्लूड होता है। मेजरमेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर मेजर ऑफ स्क्यूनेस एंड कर्टिसेस को बोला जाता है। यहां पर हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात कर रहे हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मीडियन, मोड इंक्लूड होता है, एंड मीन फर्दर अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन में क्लासिफाई किया जाता है। अब अगर अर्थमेटिक मीन की बात करें तो अर्थमेटिक मीन एवरेज ही है एक तरह से। हम एक सेट ऑफ वैल्यूज जो है वेरिएबल्स की, वहां से एक वैल्यू प्रोवाइड होती है, और वो वैल्यू कैसे प्रोवाइड होती है, मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, समेशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, जितनी भी ऑब्जर्वेशंस होती हैं आप उसका समेशन करते हैं और उसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं, तो आपके पास मीन आ जाता है, एक सिंगल वैल्यू आ जाती है जो सारी ऑब्जर्वेशंस को रिप्रेजेंट करती है। देन ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन में क्या होता है कि जितनी भी ऑब्जर्वेशंस है आप उनका प्रोडक्ट करते हैं और देन उनका रूट कर देते हैं, तो ज्योमेट्रिक मीन आपके पास आ जाता है। फिर आती है हार्मोनिक मीन की बारी। तो हार्मोनिक मीन हमारे पास क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक एवरेजेस, तो ये हमारे पास हार्मोनिक मीन एक सिंगल वैल्यू प्रोवाइड कर देता है। और इनकी अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, अगर तो होमोजीनियस ऑब्जर्वेशंस है तो अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन होता है, और अगर हेट्रोजीनियस ऑब्जर्वेशंस हैं तो इस पर्टिकुलर केस में अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। और कंबाइंडली अगर हम बात करें तो सिंबोलिकली हमारे पास आता है अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। तो ये रिलेशनशिप एग्जिबिट होता है अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में। चलिए मीडियन की बात करते हैं। तो मीडियन हमें मिडल मोस्ट वैल्यू प्रोवाइड करता है, हमारी सीरीज को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। देखिए, अगर अनग्रुप डेटा होता है तो हम उसे पहले असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद मिडल मोस्ट वैल्यू मीडियन कैलकुलेट करते हैं। अगर तो ऑड नंबर हमारे पास, ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है, देन हम n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 से कैलकुलेट करते हैं अपना मीडियन वैल्यू, और अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती है देन n बाय 2 से हम मिडल मोस्ट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि जो मीडियन है वो पोजिशनल एवरेज होता है एंड इट इज अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सट्रीमली लार्ज और स्मॉल वैल्यूज। देन वी हैव मोड। अब मोड क्या है, सेट ऑफ नंबर्स में से हमें एक सिंगल वैल्यू प्रोवाइड करता है, और वो वैल्यू कौन सी होती है, जो रेपिटेडली अक्कर करती है ऑब्जर्वेशंस में, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, विद द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी जो नंबर आता है हमारे पास उसे मोड बोला जाता है, मोस्ट कॉमन वैल्यू जो है मोड को बोला जाता है। अब देखिए, हमने मीन, मीडियन, मोड इन तीनों के मीनिंग्स अच्छे से समझ लिए हैं। अब इनके अगर रिलेशनशिप की बात करें तो आप देखिए हमारे पास दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, एक होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और एक आता है हमारे पास असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। अगर तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है देन इस पर्टिकुलर केस में मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड होता है, ऐसा रिलेशनशिप जो है मीन, मीडियन, मोड के बीच में आता है। और अगर तो असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन, मीडियन, मोड जो है डिफरेंट मैग्नीट्यूड में है, तो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हमारे पास रिलेशनशिप आता है मीन, मीडियन, मोड के बीच में ऐसा, मीन माइनस मोड
is equal to 3 mean minus median. तो ये रिलेशनशिप जो है हमारा आता है जब स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होती है. तो आपने इनको ध्यान में रखना है, सभी रिलेशनशिप्स को ध्यान में रखना है. एग्जामिनेशन में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं. चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन. देखिए मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन स्केटरिंग्स ऑफ द डेटा शो करता है कि हमारा डेटा जो है, जो हमारी इंडिविजुअल आइटम्स है वो कितनी वेरी कर रही है. इट मेजर्स द डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इन द गिवन ऑब्जर्वेशंस, कि जो हमारे डेटा सेट है, जो हमारा डेटा है वो कितना वेरी कर रहा है सेंट्रल वैल्यू से. और सेंट्रल वैल्यू मतलब मीन और मीडियन से हमारा जो डेटा है, हमारी जो इंडिविजुअल आइटम्स है वो कितनी स्प्रेड कर रही है, उसे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन बोला जाता है. अब मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन जो है वो ब्रॉडली दो तरह की है, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन. देखिए जो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन है इसे एक्सप्रेस किया जाता है सेम यूनिट में, जिसमें डेटा एक्सप्रेस किया गया है ना, जो डेटा ऑफ द सीरीज जिस यूनिट में एक्सप्रेस किया गया है, एब्सोल्यूट मेजर जो होता है उसी सेम यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है. दे आर एक्सप्रेस इन द सेम स्टैटिस्टिकल यूनिट. अगर रुपीज है, किलोग्राम है, टर्न्स, ईयर्स, तो जो हमारा एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन है वो भी उसी यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है. और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है? रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो है वो एक्सप्रेस करता है जो वेरिएबिलिटी हमारी डेटा में आ रही है उसको रेशियो और परसेंटेज की फॉर्म में. मतलब जो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन है ना वो इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट है. इस मेजर को, ये जो पर्टिकुलर मेजर है, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो है हमारा, उसे हम यूज करते हैं कि जब हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स हैं, डिफरेंट यूनिट्स में एक्सप्रेस किया गया है डेटा को और उसे हमें कंपेयर करना है, तो कंपैरिजन के लिए हम रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो है यूज करते हैं. और आप ध्यान रखना कि रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन को कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन भी बोला जाता है. अब देखिए एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन फर्दर क्लासिफाइड है डिफरेंट मेजर्स में. तो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन में फर्स्ट है हमारे पास रेंज और उसके कॉरेस्पॉन्डेंस रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हमारे पास है कॉफिशियंट ऑफ रेंज. तो रेंज कैसे कैलकुलेट किया जाता है? जो हमारी सीरीज है उसमें जो लार्जेस्ट वैल्यू है और जो हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, ऐसे हमारे पास कैलकुलेट होती है रेंज. और अगर कॉफिशियंट ऑफ रेंज की बात करें, ठीक है, कॉफिशियंट ऑफ रेंज की बात करें तो हमारे पास कैलकुलेट होता है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट. Then we have mean deviation, absolute measure of dispersion में और relative measure of dispersion में mean deviation के correspondence आता है coefficient of mean deviation. तो देखिए अगर मैं बात करूं mean deviation की, तो mean deviation हम दो तरीके से निकालते हैं, mean deviation from median, ठीक है, और एक हम निकालते हैं mean deviation from mean. अगर mean deviation from median आपको निकालना है तो उसका formula होता है summation of x minus m, ठीक है, और divided by number of observations. और अगर आपने mean deviation from mean निकालना है तो इसका formula हमारे पास होता है summation of x minus mean divided by number of observations. और इसके correspondence हम बात कर रहे हैं coefficient of mean deviation की. और coefficient of mean deviation from median अगर आपने निकालना है तो formula आएगा mean deviation from median divided by median. और अगर आपने निकालना है कॉफिशियंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, तो फॉर्मूला हमारा रहेगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइडेड बाय मीन. तो इस तरह से ये कुछ फॉर्मूलाज हैं हमारे पास जिसके थ्रू हम मीन डेविएशन और कॉफिशियंट ऑफ मीन डेविएशन कैलकुलेट करते हैं. देन वी हैव क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है. क्वार्टाइल डेविएशन को निकालने से पहले आप एक समझिए कि इंटर क्वार्टाइल रेंज भी होती है. पहले तो हमने समझा कि सिंपल रेंज और उसे कैसे निकाला जाता है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट. अब आता है इंटर क्वार्टाइल रेंज. तो इंटर क्वार्टाइल रेंज को निकाला जाता है Q3 माइनस Q1 से, ठीक है. जो हमारे क्वार्टाइल्स होते हैं, मतलब अपर क्वार्टाइल माइनस द लोअर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल है हमारे पास Q1. इसके बाद आता है हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन. तो क्वार्टाइल डेविएशन को निकाला जाता है Q3 माइनस Q1, मतलब इंटर क्वार्टाइल रेंज को हम डिवाइड कर देते हैं 2 से. तो ये आ जाता है हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन. और क्वार्टाइल डेविएशन को सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोला जाता है. अब क्वार्टाइल डेविएशन के जो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन में क्वार्टाइल डेविएशन होता है और इसके कॉरेस्पॉन्डेंस रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हमारे पास आता है कॉफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन. तो कॉफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकाला जाता है Q3 माइनस Q1 divided by Q3 plus Q1. Then the last we have the standard deviation. Standard deviation बहुत ही important और widely used measure of dispersion है. सबसे पहले से use किया था Carl Pearson ने 1893 में. और standard deviation को root mean square deviation भी बोला जाता है. Standard deviation को आप sigma से denote करते हैं. और क्या formula आता है हमारे पास standard deviation का निकालने का? Standard deviation is equal to square root of summation of
x माइनस x मीन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n. तो ये फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का, और इसके कॉरेस्पॉन्डेंस रिलेटिव ऑफ मेजर में हमारे पास आता है कॉफिशियंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसे हम कॉफिशियंट ऑफ वेरिएशन भी कहते हैं, और कॉफिशियंट ऑफ वेरिएशन हम फाइंड आउट करते हैं सिग्मा डिवाइडेड बाय मीन. ठीक है, तो ये सभी मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो है आपने ध्यान में रखने हैं, इनके मैरिट्स डीमैरिट्स जो है हम फर्दर अपने वीडियो कोर्सेज में कवर करेंगे, तो आपने ये सब जो है अच्छे से कवर करना है. Now the next topic is measures of skewness. अब ये term skewness जो है इसका मतलब है absence of symmetry. हमने discuss किया था कि दो तरह की distribution होती है, एक होती है normal distribution जिसे हम symmetrical distribution भी बोलते हैं, और एक होती है asymmetrical distribution जिसे हम skewed distribution भी बोलते हैं. तो यहाँ पे skewed distribution की बात हो रही है कि absence of symmetry, asymmetrical distribution जो है data set से उसे skewness बोला जाता है. Now skewness is the characteristics of the deviation from the mean. यहाँ पर क्या होता है कि जो curve होती है वो एक्सटेंड होती है या तो राइट हैंड साइड पर या फिर लेफ्ट हैंड साइड पर, मतलब कि जो टेल आ रही है हमारे पास या तो नेगेटिवली स्क्यूड ज्यादा होगी या फिर पॉजिटिवली स्क्यूड होगी, राइट की तरफ स्क्यूड होगी. तो एक तरह से जो स्क्यूनेस है इंडिकेट करती है शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा. अब आप यहां पे देखिए कि दो तरह के हमारे पास स्क्यूनेस आ रही है, एक होती है नेगेटिव स्क्यूनेस और एक आ रही है हमारे सामने पॉजिटिव स्क्यूनेस. सो व्हेन द प्लॉट इज एक्सटेंडेड टुवर्ड्स द राइट साइड मोर, अब आप यहां पे देखिए कि राइट साइड पर जो हमारी टेल है वो ज्यादा एक्सटेंड कर रही है, तो उसे पॉजिटिव स्क्यूनेस बोला जाता है. और इस केस में मोर जो है वो लेस होता है मीडियन से और मीडियन लेस होता है मीन से, या फिर ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोर. ठीक है, नेक्स्ट है फिर हमारे पास नेगेटिव स्क्यूनेस. अब आप यहां पे देखिए जो टेल है वो लेफ्ट की तरफ ज्यादा स्क्यूड हो रही है, लेफ्ट की तरफ ज्यादा जा रही है, एक्सटेंड हो रही है, स्ट्रेच कहां हो रही है, लेफ्ट की तरफ ज्यादा हो रही है. तो इस पर्टिकुलर केस में क्या रिलेशनशिप बनता है मीन मीडियन और मोड का, मीन इज लेस देन मीडियन इज लेस देन मोड, या फिर आप बोल सकते हैं मोड इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मीन. ठीक है, नेक्स्ट इज कोरिलेशन एंड रिग्रेशन ऑफ टू वेरिएबल्स. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ब्रॉडली कवर करना है अपने इस टॉपिक को. बहुत सारे क्वेश्चंस जो है इन टॉपिक से रिलेटेड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, 100% कवरेज देनी है आपने. कोरिलेशन रिग्रेशन का मीनिंग बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए, इनके बीच में जो भी एस्पेक्टेड डिफरेंसेस बनते हैं वो आपको पता होने चाहिए, जो मेथड्स ऑफ कोरिलेशन है, मेजर ऑफ कोरिलेशन, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, बहुत अच्छे से ये क्लियर होने चाहिए. इवन इनकी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, बहुत अच्छे से उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है, तभी आप एग्जाम में इसके क्वेश्चंस सॉल्व कर पाओगे. यहां पर हम देखते हैं कि रिग्रेशन और कोरिलेशन का मीनिंग. देखिए, रिग्रेशन एंड कोरिलेशन एनालिसिस कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स. दो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप हमें बताता है रिग्रेशन एंड कोरिलेशन, कि उनकी नेचर कैसी है, स्ट्रेंथ कैसी है. पर मेन डिफरेंसेस क्या है इनके बीच में, देखो कोरिलेशन फोकस करती है प्राइमरी ऑन एन एसोसिएशन, कि दो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स के बीच में एसोसिएशन कैसी है, लेकिन रिग्रेशन हमें हेल्प करता है प्रिडिक्शंस में. कोरिलेशन मेजर करता है डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, जो रिग्रेशन एनालिसिस है वो हेल्प करता है कि कैसे एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे वेरिएबल पर अफेक्ट होता है, कैसे दूसरा वेरिएबल चेंज होता है. कोरिलेशन में तो डिग्री पता चल गई कि हाई डिग्री है, मॉडरेट है या लो है, लेकिन रिग्रेशन हमें बताता है कि अगर एक वेरिएबल चेंज होता है तो उसके चेंज होने से दूसरे वेरिएबल पे क्या अफेक्ट पड़ता है. देन कोरिलेशन डज नॉट कैप्चर कैजुअलिटी, कैजुअलिटी जो है कोरिलेशन में नहीं होती है, सिर्फ डिग्री हमें बताता है, डिग्री ऑफ इंटर रिलेशनशिप बताता है दो वेरिएबल्स के बीच में, लेकिन रिग्रेशन जो है इट इज बेस्ड ऑन द कैजुअलिटी, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हमें बताता है रिग्रेशन. देन इन कोरिलेशन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. आप x एंड y बोलो या y एंड x बोलो, दो वेरिएबल्स हैं x एंड y. आप x एंड y के बीच में रिलेशनशिप देखो या y एंड x के बीच में, तो कोरिलेशन तो सिर्फ हमें डिग्री बता रहा है ना रिलेशनशिप की, लेकिन रिग्रेशन जो है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे तो ये बताता है कि एक के चेंज होने से, एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे वेरिएबल पे क्या इफेक्ट होगा. तो यहां पर y ऑन x इज डिफरेंट फ्रॉम x ऑन y. Now it is probability and its approaches. Examination के लिए आपने इसमें practical, moreover theory aspect दोनों ही cover करके चलने हैं. देखिए probability अगर generally मैं बात करूँ तो ये theory का जो origin है ये games of chance से हुआ. Gambling के बात करते हैं, coin toss किया या फिर drawing a card from a deck of 52 cards, ये सब क्या है, ये सब probability पे based ही तो है. अब मॉडर्न टाइम्स में प्रोबेबिलिटी इज वाइडली यूज्ड इन द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, सोशल साइंसेज.
तो इन इन फील्ड्स में क्या किया जाता है, प्रिडिक्शंस की जाती हैं ऑन द इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी. डिफरेंट इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाते हैं इन सिचुएशन ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी बाय सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर्स. मोर ओवर प्रोबेबिलिटी थियरी ऑफ गेम्स में भी यूज की जाती है, विच इज फर्दर यूज इन द मैनेजरल डिसीजंस. बहुत सारे सैम्पलिंग टेस्ट जैसे जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट जो है, ये सब थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है. मोर ओवर प्रोबेबिलिटी जो है ये इंश्योरेंस कंपनीज की बैकबोन है, बिकॉज लाइफ टेबल्स आर बेस्ड ऑन द थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी. सो प्रोबेबिलिटी का जो है बहुत ही इमेंस यूटिलिटी है बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स में. अब हमारे पास फर्दर प्रोबेबिलिटी की अप्रोचेस हैं, क्लासिकल और मैथमेटिकल अप्रोच, इंपेरिकल और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सब्जेक्टिव अप्रोच. तो ये सभी अप्रोचेस हमने बहुत अच्छे से कवर करनी है. वन बाय वन देखते हैं कि ब्रीफ में कि ये अप्रोचेस क्या कहती हैं. देखिए, क्लासिकल और मैथमेटिकल अप्रोच जो है ये बहुत ही ओल्डेस्ट और सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है. ये डेफिनेशन एक अजम्पशन पे बेस्ड है जिसमें बोला जाता है जो आउटकम्स और रिजल्ट्स हैं एक्सपेरिमेंट के, दे आर इक्वली लाइकली एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. देन वी हैव इंपेरिकल और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. सो ये जो डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी की, इट इज नॉट बेस्ड ऑन द लॉजिक बट पास्ट एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रेजेंट कंडीशंस. देन सब्जेक्टिव अप्रोच. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, प्रोबेबिलिटी असाइन की जाती है इवेंट्स को बाय एन इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस अवेलेबल टू हिम. तो ये सारी अप्रोचेस हमने डिटेल में कवर करनी है और क्या इनके मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हैं वो भी आपको पता होने चाहिए. देन वी हैव थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह की होती हैं, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. बाइनोमियल और पॉइजन, ये दोनों डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड है. अब इन तीनों डिस्ट्रीब्यूशन के मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपको, क्योंकि एग्जामिनेशन में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि कैसी नेचर है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या है, पैरामीटर रिस्ट्रिक्शंस क्या है, लिमिटिंग फॉर्म क्या है इन डिस्ट्रीब्यूशंस की, मीन एंड वेरिएंस कैसा होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस में, शेप कैसी है बाइनोमियल पॉइजन और नॉर्मल में डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स की. तो ये सारी नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपको. अगर शेप की बात करें तो बाइनोमियल में सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल दोनों होती हैं, पॉइजन में पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, नॉर्मल में परफेक्टली स्क्यूड होता है. बाइनोमियल में सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल कुछ भी हो सकता है. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है. नेक्स्ट इज कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा. देखिए, डेटा को दो फॉर्म्स में कलेक्ट किया जा सकता है, या तो प्राइमरी डेटा की हेल्प से या फिर सेकेंडरी सोर्स की हेल्प से. देखिए, प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जिसे रिस्पॉन्डेंट डायरेक्टली कलेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ सर्वेज, इंटरव्यूज, क्वेश्चनेयर्स, मेजरमेंट, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन. तो प्राइमरी डेटा की क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि इसमें ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, इन्वेस्टिगेशन आता है. और सेकेंडरी डेटा की अगर मैं बात करूं तो सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इट इज कलेक्टेड बाय सम अदर पर्सन फॉर देयर पर्टिकुलर यूज. तो इसमें हमारे पास क्या क्या इंक्लूड होते हैं, क्या सोर्सेज हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, जैसे बुक्स हो गए, पीरियोडिकल्स हो गए, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, नॉन गवर्नमेंट एसोसिएशन, डायरेक्टरीज, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, स्पेशल कलेक्शंस, ठीक है ना. तो ये सब कैटेगरीज हैं जिसकी हेल्प से आप सेकेंडरी डेटा जो है कलेक्ट कर सकते हैं अपने यूज के लिए. देन वी हैव प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन द टेक्सचुअल एंड टेबुलर फॉर्म. तो वहां पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे. और डेटा को ग्राफिकली फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है लाइन चार्ट और हिस्टोग्राम के बेसिस पे, पाई चार्ट के बेसिस पे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के बेसिस पे. तो ये सभी एप्लीकेशन ऑफ स्टेटिस्टिक्स की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है. नाउ द अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक इज सैम्पलिंग एंड एस्टिमेशन. देखिए, सैंपल क्या होता है, सैंपल पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन को सैंपल बोला जाता है कि एक पॉपुलेशन के पार्ट को जब हम चूज करते हैं स्टडी करने के लिए और उस सैंपल के बेसिस पे इन्फेरेंसेस ड्रॉ करते हैं, कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, तो उसे सैंपल बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट के बॉडी से एक ब्लड सैंपल लिया गया है और वो ब्लड सैंपल लिया गया है ये डिटरमाइन करने के लिए वेदर कि पेशेंट का शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल है या नहीं है. तो आपने देखा कि एक स्मॉल सैंपल ऑफ ब्लड जो है ये ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ द इंटायर ब्लड इन द बॉडी. सो सैंपलिंग क्या है, सैंपलिंग एक ऐसी टेक्निक है जो हेल्प करती है इन्यूमरेटर को या रिसर्चर को पॉपुलेशन के पैरामीटर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स अंडरस्टैंड करने में. अब सैम्पलिंग जो है वो डिफरेंट मेथड्स होते हैं उसके, एक होता है रेंडम और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी, जिसे हम जीरो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी बोलते हैं.
देखिए रैंडम और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब क्या है कि जहां पर डिसीजन जो है एक पर्टिकुलर एलिमेंट का वो चांस के बेसिस पे होता है, इट इज गवर्न्ड बाय द चांसेस ओनली, ठीक है, किसी भी तरह की बायसनेस नहीं होती है रैंडम सैम्पलिंग में। लेकिन जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है इसे जीरो प्रोबेबिलिटी बोला गया। अब जीरो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है कि यहां पर तो बायसनेस आएगी। फर्दर रैंडम और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमारे पास और मेथड्स आते हैं, जैसे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, देन हमारे पास आता है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग। तो ये सभी क्या मेथड्स हैं रैंडम और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नाम से ही क्लियर होगा, तो इसमें जजमेंटल सैम्पलिंग, डेलिब्रेट, पर्पसिव, कन्वीनियंस, कोटा सैम्पलिंग, तो ये सभी क्या है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। तो ये सभी मेथड्स जो है हमने अच्छे से डिस्कस करने हैं, इनकी एस्टिमेशन कैसे होती है, सैम्पलिंग के बेसिस पे जो एरर्स निकल के आते हैं वो भी बहुत अच्छे से हमने डिस्कस करने हैं अपने लेक्चर्स में। अब देखिए पॉपुलेशन की हमने जनरलाइजेशन ड्रॉ करनी है सैंपल से, तो कुछ स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज किए जाते हैं और वो स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो है उसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग बोला जाता है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में फर्दर डिफरेंट टेस्ट जो है इंक्लूड होते हैं। एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है डिसीजन लेने के लिए, ऑल्टरनेटिव नल हाइपोथेसिस सेट करते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस स्पेसिफाई करते हैं, वहां से वैल्यू डिटरमाइन करते हैं, फिर जो हमारा सुटेबल टेस्ट होता है स्टैटिस्टिक का उसे अप्लाई करते हैं, नेसेसरी कैलकुलेशंस जो हमारी होती हैं उसे करते हैं, एंड देन उसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है। और कुछ एरर्स भी कमिट हो जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे पास सिचुएशन अराइज होती है कि अगर नल हाइपोथेसिस आपका ट्रू है, ठीक है, लेकिन आपने क्या किया उसे रिजेक्ट कर दिया, तो इस पर्टिकुलर केस में टाइप वन एरर अराइज होता है, ठीक है। और एक केस बनता है अगर नल हाइपोथेसिस जो है वो फॉल्स है और आपने उसे क्या किया है एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करके कौन सा एरर कमिट होगा टाइप टू एरर। तो यहां से समझा आपने कि अगर तो नल हाइपोथेसिस ट्रू है और आपने उसे रिजेक्ट कर दिया तो टाइप वन एरर आएगा, और अगर नल हाइपोथेसिस फॉल्स है और आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया तो टाइप टू एरर कमिट होता है। अब फर्दर हाइपोथेसिस टेस्टिंग में डिफरेंट टेस्ट आते हैं, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अब पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कुछ कंडीशंस पे बेस्ड होते हैं। अगर तो डेटा कैटेगोरिकल है तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई होता है, अगर मेट्रिक है तो फिर क्वेश्चन अराइज होता है आर द डेटा अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो फिर अगेन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगेगा, अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है येस, फिर आपका क्वेश्चन अराइज होता है आर द वेरियंसेज ऑफ द पॉपुलेशन इक्वल, अगर तो इक्वल नहीं है फिर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगेगा, और अगर पॉपुलेशन वेरिएंसेस इक्वल है देन पैरामेट्रिक टेस्ट लगेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, अजम्पशंस होती हैं, जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर्स में। फिर हमारे पास रिसर्च मेथडोलॉजी का सेक्शन आता है। अब ये रिसर्च मेथडोलॉजी जो है ये पूरे एक रिसर्च प्रोसेस पे बेस्ड है। मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि रिसर्च प्रोसेस में फर्स्ट आता है हमारे पास प्रॉब्लम डेफिनेशन, कि आप सबसे पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं कि एक्चुअली में आप रिसर्च क्या करना चाहते हैं। सो प्रॉब्लम डेफिनेशन से लेकर रिपोर्ट राइटिंग तक हमारा सारा प्रोसेस चलता है, और इन पूरे प्रोसेस में स्टैटिस्टिक्स जो है यूज किया जाता है। तो प्रॉब्लम हम देखेंगे, टाइप्स ऑफ रिसर्च देखेंगे कि कौन से रिसर्च जो है आपकी स्टडी के लिए एप्लीकेबल होती है, रिसर्च डिजाइन हमने देखना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन होते हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है उन डिजाइंस के लिए, क्योंकि रिसर्च डिजाइन एक ब्लूप्रिंट होता है। एंड देन हमारे पास टॉपिक आता है रिपोर्ट राइटिंग का, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट हमने डिस्कस करनी है। तो रिसर्च प्रोसेस जो है ये हम पूरा डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ प्रोसेस हम अपने लेक्चर्स में अच्छे से कवर करेंगे। चलिए तो यहां पर हमने अपने सिलेबस का ओवरव्यू लिया और सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स मेंशन थे उसको ब्रीफली हमने डिस्कस किया है। अगर आप इन टॉपिक्स को डिटेल में कवर करना चाहते हैं तो आप हमारे फुल वीडियो कोर्सेज रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इंटायर यूनिट का ब्रॉड ओवरव्यू लेना चाहते हैं तो आप हमारे फ्री यूनिट स्नैपशॉट नोट्स जो है उन्हें रेफर कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर साइन अप करके, दैट इज www.everstudy.co.in। तो ये थी हमारी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथडोलॉजी की यूनिट की ओवरव्यू डिस्कशन। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है तो आप हमें मेल कर सकते हैं hello@everstudy.in पर। आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, मोर ओवर आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉल के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारी फ्री लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं की है तो आप उसे डाउनलोड कर लीजिए, काफी बेनिफिट्स, ढेर सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी लर्निंग।